दोस्तों, अगर आपने फेसबुक प्रोफाइल का नाम चेंज करना है तो आप इस वीडियो लास्ट तक देखना, और इस वीडियो पे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपने फेसबुक प्रोफाइल का नाम चेंज करवाओगे बिल्कुल 2 मिनट पे। तो वीडियो की लास्ट तक देखना, और चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे मेरा जो इस प्रोफाइल आप देख रहे हो, ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, इसका नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर आपके फेसबुक प्रोफाइल पर नेम चेंज नहीं हो रहा है, मैं लास्ट में बताऊँगा कि किस रीज़न के वजह से आपका फेसबुक प्रोफाइल नाम आप चेंज नहीं कर पाओगे, वो भी मैं बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे आसान तरीका मैं बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपने फेसबुक प्रोफाइल का नाम आप चेंज कर पाओगे। आपने नाम कोई सा भी नेम आप रख सकते हो, जैसे कि आपने ये नेम बहुत पुराना हो चुका है लेकिन आप कुछ टाइमलेस नेम देना चाहते हो, या कोई भी नेम किसी भी रीज़न की वजह से आप अपने फेसबुक नेम को चेंज करना चाहते हो, तो करना क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाके अपने फेसबुक ऐप को आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि अपडेट करोगे तो आपको फेसबुक ऐप के लेटेस्ट वर्जन मिलेगा। उसके जरिए आप अपने फेसबुक पे कोई भी अगर नया फीचर आते हो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले जाके आपको अपडेट कर लेना है फेसबुक ऐप को, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे सबसे ऊपर आपको सेटिंग मिलेगा, नहीं तो आपको नीचे सेटिंग मिलेगा। तो मैं यहाँ पे गियर आइकन सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको क्लिक करना है सी मोड एंड अकाउंट सेंटर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट सेंटर पे ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ स्टेप सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे प्रोफाइल्स पे क्लिक करना, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे कि मेरे केस में बहुत सारे अकाउंट जो ऐड है, जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड है या दूसरा कोई भी फेसबुक अकाउंट ऐड है, लेकिन आपके केस में हो सकता है कि आपका एक ही अकाउंट ऐड हो सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप से देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे 2-3 अकाउंट ऐड है लेकिन आपका एक अकाउंट हो सकता है कि आपके केस में, या फेसबुक या इंस्टाग्राम जो भी है जिसका नाम आप चेंज करना चाहते हो उसके ऊपर आपको क्लिक करना। जैसे क्लिक कर दोगे तो थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है, क्योंकि ये इंटरनेट के हिसाब से आता है। तो मैं 2-3 अकाउंट ऐड करके रखा इसलिए मुझे देर हो रहा है, तो आपके हिसाब से आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए। तो थोड़ा देर आपको वेट कर लेना है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसका नेम चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऊपर आपको नेम दिखा रहा है और नीचे आपको यूज़र नेम दिखा रहा है। तो मैं नेम चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपल आपको नेम पे ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अब जैसे ही नेम पे ऊपर आप क्लिक कर दोगे एक नया पेज आ जाएगा, तो थोड़ा देर आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप सेंटर पे आ जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे नेम दिखाएगा और आपका लास्ट नाम दिखाएगा, और आपका मिडिल नेम भी दिखा सकता है। तो आपका कोई मिडिल नाम है तो आप दे सकते हो, नहीं तो नेम है तो आप दे सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर समीर मैथ लिखा है तो मैं टेक समिट दे देता हूँ, तो मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो भी नाम देना है तो आप यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेक समिट दे देता हूँ, और मिडिल नाम अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैनेज जो अनदर नाम, मतलब कि आपका नेक नेम भी दे सकते हो, यानी जो भी प्रोफाइल के जो बाजू पे आपने देखा होगा नेक नाम शो करते, तो आप नेक नाम भी आप यहाँ पे क्लिक करके आप कोई सा भी नेक नाम भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो नेक नाम आप चूज़ करके यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नेक नाम या कोई आदर्श नाम तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे कि नेक नाम सेट करना है। उसके बाद व्हाट इज़ योर नेम, जो भी अपना नेक नाम देना चाहते हो यहाँ पे सेट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि अपने प्रोफाइल पे शो करना चाहते हो कि अपने नेक नाम, तो यहाँ पे क्लिक करके आप शो भी करवा सकते हो, या शो भी नहीं करना चाहते तो नहीं भी करना कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक नाम भी दे भी सकते हो, नहीं दे सकते। उसके बाद अगर नेम चेंज हो जाए, जो भी नेम आप देना चाहते हो, नेम देने के बाद यहाँ पे रिव्यू चेंज पे क्लिक करना। जैसे ही क्लिक कर दोगे यहाँ पे आपका कुछ स्टेप सेंटर फिर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे नोटिस भी दिखाई देगा कि आपने ऐसा कोई नेम देना होगा, कोई भी ब्रांड का नेम नहीं देना होगा, क्योंकि आपका पर्सनल नेम देना होगा। कोई ऐसा ब्रांड का नेम होगा या कोई भी आदर्श नेम आप अगर देना चाहते हो, जैसे एंड्रॉइड वगैरह, कोई भी ब्रांड का नेम लेके आपको प्रोफाइल नहीं क्रिएट करना है। इसलिए आपको यहाँ पे रीज़न भी दिखा दे रहा है कि आप कोई सा भी ब्रांड का नेम यूज़ करो, जैसे मैंने टेक दे दिया उसके बाद समय दे दिया, इसलिए नहीं होगा तो आपको अदर्स कोई भी नेम देना होगा। देने के बाद आप चेंज रिव्यू पे आपको क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं वही सा भी आप दे देता हूँ, ठीक है। फटाफट मैं कुछ स्टेप से दे देता हूँ। देने के बाद यहाँ पे जैसे रिव्यू पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उसके बाद आपको नेम जो चूज़ करने के लिए बोल रहे, तो आप कोई सा जो भी आपने देना चाहते हो कुछ स्टेप से आप सेट कर लीजिए क्या देना चाहते हो। सेट करने के बाद सेव चेंजेस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और एक चीज़ है, कब नीचे दिखा रहा है कि आप नेक्स्ट जो 60 दिन के बाद आप चेंज कर पाओगे दोबारा। अगर आप चाहते हो कि कल भी फिर आप चेंज करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि 60 दिन अंतर आप चेंज कर पाओगे, मतलब कि 60 दिन छोड़ के 2 मंथ
दो मंथ के बाद आप फिर से चेंज कर पाओगे, 60 दिन के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद चेंज नाउ पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो नेम अपडेट सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब कि मेरा नेम बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस वजह से आप 60 दिन अंतर के बाद आप फिर से चेंज कर पाओगे।